पीपीके में आपकी जर्नी एज अ लॉयर कैसी है और वहाँ पे एक खातून लॉयर के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मेन डोमिनेटेड प्रोफेशन है, जब भी बात होती है तो लोग इनकरेज करते हैं अपने बेटियों के वो डॉक्टर बन जाएं, टीचिंग प्रोफेशन में चली जाए। जुडिशरी की तरफ भी इतना ही रुझान आपको नज़र आता है फीमेल्स का? जुडिशरी में तो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है वहाँ पे फीमेल। बार काउंसिल अभी जो है ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड ही है। मेरे भाई जो थे वो एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए पेशावर हाई कोर्ट में खड़े हुए, तो वहाँ पे दो फीमेल्स आ गए, इलेक्शन करना चाह रही हैं और कंप्लेन कर रही हैं। जब वो वापस आई तो मेरे भाई ने कहा ठीक है ये दोनों कर रही है तो मैं बैक ऑफ कर जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वेमेन लॉ के एक और एपिसोड के साथ मैं निदा उस्मान चौधरी और मेरी होस्ट और दोस्त वाइज़र रफ़ीक हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं वो ना सिर्फ हमारी गेस्ट हैं बल्कि हमारे वेमेन इन लॉ के पी के चैप्टर की लीड भी है। इस इनिशिएटिव को KPK में वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि वो आगे इसके हवाले से क्या प्लान्स रखती हैं। जी महवेश, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वुमेन इन लॉ को हमने अब तक अपने प्रोग्राम में पंजाब के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है या जनरली एक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ब्रॉडली अगर देखा जाए, तो स्पेसिफिकली KPK में आपकी जर्नी एज अ लॉयर कैसी है और वहाँ पे एक खातून लॉयर के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से वो अपना करियर बना सकती हैं? KPK में अगर आप बात करो तो काफ़ी चैलेंजिंग है लॉ प्रोफेशन में आना क्योंकि ये बेसिकली एक मेन डोमिनेटेड प्रोफेशन है। जब भी बात होती है तो लोग इनकरेज करते हैं अपने बेटियों के वो डॉक्टर बन जाएं, टीचिंग प्रोफेशन में चली जाएं, लेकिन जहाँ तक एक लॉ प्रोफेशन की बात आती है तो उसको मोस्टली डिस्करेज किया जाता है। और जितनी भी लड़की अगर LLB करके आती हैं, लॉ स्टडी करती हैं, तो मोस्टली उनके पेरेंट्स उनको इनकरेज करते हैं कि वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके लेक्चररशिप ज्वाइन कर लें या कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या कमीशन के एग्ज़ाम्स दे दें। लेकिन जहाँ तक लिटिगेशन और लॉ फील्ड में आने की बात है तो मोस्टली उनको डिस्करेज किया जाता है। तो आपने कैसे फिर सोचा और इतना बोल्ड स्टेप लिया? मेरी तो पूरी फैमिली इस लॉ प्रोफेशन में है। टाइमली अगर आप अभी मैं देख रही हूँ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ़ फीमेल लॉयर्स हैं KP में वो बढ़ती जा रही हैं। पहले बहुत कम रेट होता था, अभी अगर हम देखें तो हमारे लिए एक नया बार रूम बनाया गया है जिसका साइज़ उतना ही है जितना एक मेल बार रूम का। वंडरफुल, काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस पे नंबर बढ़ रहा है। और सबसे पहले जो हमारे अपने मेल लॉयर्स हुआ करते थे, जो सीनियर लॉयर्स हैं हमारे, वो भी अपनी बेटियों को इनकरेज नहीं करते थे। जब मैं इस प्रोफेशन में आई, उन्होंने देखा कि मियाँ साहब की बेटी आ गई हैं, तो उसके बाद हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट के मेंबर एग्जीक्यूटिव भी हैं जो KP के, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी मेरे फादर से पूछा कि मैं अपनी बेटी को किस प्रोफेशन में लेके आऊँ। मेरे फादर ने कहा अगर वो मेडिसिन पसंद करती तो मेडिसिन में ले जाए। कहते नहीं मियाँ साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी आपकी बेटी की तरह लॉ प्रोफेशन में। कितनी अच्छी बात है, देखना तो एक स्टेप लिया किसी ने जी। और एक फैमिली से सपोर्ट मिला उनकी बेटी को, वो आई आगे और उन्होंने अपना नाम बनाया और एक ट्रेंड सेट कर दिया। एग्जैक्टली, और उसी तरह से फिर अब अगर उसकी बेसिस पे आगे लोग इनकरेज हो रहे हैं और यू नो इंस्पायर हो रहे हैं, तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती क्योंकि पहले बिल्कुल इनकरेज। अब मैं देख रही हूँ तो हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं उनकी बेटियाँ ही इस प्रोफेशन में आ रही हैं और मोस्टली जब वो मुझसे मिलती भी हैं तो वो कह रहे हैं कि एक साल बाद और दो साल बाद हमारी बेटी भी आने वाली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो इनकरेज हो रहे हैं, उनको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पे किसी तरीके से हैरेसमेंट तरह से। हाँ, क्योंकि मोस्टली यही देखा जाता है कि यहाँ पे अगर वो मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में आएंगी तो हो सकता है वो हैरेसमेंट की इश्यूज उनको आए या फिर वो यहाँ सरवाइव ना कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे आने के बाद, क्योंकि हम तीन बहनें इस प्रोफेशन में हैं, तो उसके बाद वो इनकरेज हो गए और मोस्टली वो सब यही चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ भी इस प्रोफेशन में। अच्छा, पेशावर तो कम्युनिटी भी छोटी सी होगी ना, तो वहाँ पे तो आई मीन हाईलाइट भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया होगा ये कि जी अच्छा उनकी फैमिली से आई हैं, तो जाहिर है मतलब आपस में ज़्यादा मतलब लोगों का एक दूसरे से यू नो मेल जुलना और अंडरस्टैंडिंग। तो आई थिंक दैट वे इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ रेवोल्यूशनरी स्टेप आई फील के। और आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट भी करते हैं और ट्रेनिंग्स वगैरह की भी बात हुई, सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेस तो चले वी सीन के नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी आपको लगता है कि जिन पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है मज़ीद सपोर्ट करने के लिए? असल में मोस्टली ये होता है कि जब इस प्रोफेशन की बात आती है और केसेस टेकअप करने की बात आती है, जहाँ लिटिगेशन जिसको हम बोल रहे होते हैं, उसमें क्या इशू हम लोग फेस कर रहे हैं कि मोस्टली वुमेन लॉयर्स को केसेस लोग देते नहीं हैं, वो ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं।
जैसे हम गायनी के पास जाते हैं कि औरतों के केसेस होते हैं तो वो गायनी को प्रेफर करते हैं, इसी तरह से जैसे कि फैमिली लॉ है तो मोस्टली यहाँ पे हमारी औरतें जो केपी में हैं वो कहती कि हम एक फ़ीमेल लॉयर को प्रेफर करेंगे कि हम उनको अपना केस दें। साइड वाइज जो हमारे नारकोटिक्स में है फीमेल लॉयर जो प्रैक्टिस कर रही हैं उनकी भी प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती जा रही है, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि वो ज़्यादा डेडिकेटली उनको टाइम भी दे रहे हैं और उनके केसेस अच्छे से परसू हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो फीमेल लॉयर्स हैं वो ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं, डिवोटेड होती हैं, रिसर्च ज़्यादा करती हैं और आवर्स ज़्यादा लगाती हैं काम में, बिकॉज दे आर हैविंग टू प्रूव अ लॉट मोर नाउ इन ऑर्डर टू सॉर्ट ऑफ बी टेकन मोर सीरियसली। तो ये चीज़ मैंने खुद देखी है पर्सनली, हमारे पास अगर कोई आता भी है तो ये बोलते कि हमारा ये इशू है, हमें वुमेन लॉयर चाहिए क्योंकि हमें पता है कि वो हमें टाइम देगी, वो हमारे केस पे जो है वो रिसर्च वर्क ज़्यादा होगा उनका। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे डेवलप हो रही है और चेंजेस आ रहे हैं। स्टार्ट में बहुत चैलेंजेस होते थे, लोग कहते थे नहीं हमें मेल लॉयर ही चाहिए, लेकिन अब मुझे काफ़ी एक अजीब सा लगता है कि जब हमारे ऑफिस में चैम्बर में लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें एक फ़ीमेल लॉयर चाहिए, तो फिर वो हमारे चैम्बर आती हैं तो हमसे बात करती हैं, हमसे केस डिस्कस होता है, तो ये अच्छा लग रहा है, एक अच्छा चेंज है जो वहाँ पे आ रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, कभी आपको ये फील हुआ कि आपकी, क्योंकि फादर भी एक लॉयर हैं और ही इज़ अ वेरी सीनियर लॉयर, फिर आपकी बहनें भी लॉयर हैं, तो यू कम फ्रॉम अ फैमिली के जिसमें सब वकील हैं, लेकिन आपके मुकाबले में अगर कोई ऑर्डिनरी लड़की, कोई ऑर्डिनरी लॉ ग्रेजुएट अगर वो आती है तो उसके लिए आप देखें, क्योंकि अगर हमारा पूरा बैकग्राउंड लॉयर्स का है तो हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, पर एक ऑर्डिनरी लड़की जिसकी फैमिली में कोई लॉयर नहीं है, उसके लिए पेशावर बार में या केपीके में एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर प्रैक्टिस करने के क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या बैरियर्स हैं, क्योंकि आई एम श्योर होंगे यहाँ डेफिनेटली होते हैं। वो जब आती हैं सबसे पहले तो वहाँ पे एडजस्ट होना बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आप जब आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से आते हैं और डायरेक्टली एक ऐसे इन्वायरमेंट में घुस जाते हैं जहाँ पे सारे क्रिमिनल्स होते हैं, तो डीप डाउन इनसाइड आपका यही होता है कि पता नहीं मुझे कोई रिस्क तो नहीं इन्वॉल्व कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, वहाँ पर हथकड़ियों में आपके आ रहे हैं, जितनी भी प्रिजनर्स होते हैं उन्हें लाया जाता है कोर्ट में, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे केपी में एक चीज़ बहुत अच्छी है, हमारा वहाँ पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है लॉयर्स में सीनियर जूनियर का बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेंड है। अगर वहाँ केसेस भी आर्गू हो रहे होते हैं तो वहाँ बहुत रिस्पेक्टफुली अगर एक जूनियर लॉयर बात करेगा और सीनियर ऑलरेडी आर्गूमेंट्स कर रहा है तो वहाँ पे सीनियर जूनियर का बहुत ये तहजीब और वो जो कल्चरल एक बहुत तमीज़ है। लेकिन दूसरी ये है कि इसमें जजेस का भी बहुत बड़ा रोल है, जो मैं अब तक देखते आ रही हूँ इन 4-5 ईयर्स में, मैंने ये नोट किया कि अगर उनको ये लग रहा होता है कि कहीं ऊपर ऊंच नीच हो रही है तो जजेस खुद डील कर रहे होते हैं कि केपी में हमारा ये प्रैक्टिस नहीं है, तो आप देखें आपके स्टोन में बात कर रहे हैं या आपके सीनियर हैं, बेशक केस जूनियर जीत जाता है, आर्गूमेंट्स उसके अच्छे होते हैं, रिसर्च वर्क उसका अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट का एलिमेंट रहता है वो बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी, बिकॉज इससे भी एक दरवाज़ा खुला रहता है औरतों के लिए, क्योंकि जब उन्हें पता है कि वहाँ जजेस या पूरा एक माशरा उस चीज़ को सॉर्ट ऑफ गार्ड कर रहा है कि वो दे डोंट फील थ्रेटन या दे फील सेफ इन अप्रोचिंग द जजेस, तो आई थिंक वो काफ़ी रोल प्ले करता है एक कंड्यूसिव माहौल बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो फ्रेश फीमेल लॉयर्स भी आती हैं, तो अगर वो हाई कोर्ट में पेयर हो रही है लाइसेंस के बाद, इवन अगर वो जूनियर है, वो एसोसिएट है, इंटर्नशिप कर रही है, अप्रेंटिसशिप पीरियड में जा रही है, तब भी हमारे जो हाई कोर्ट जजेस हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर एक फीमेल लॉयर वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रही है, वो एक केस में जस्ट उसको एडजर्नमेंट भी कर रही है, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसी वजह से एक्चुअली जजेस की क्योंकि बात हो रही है, मतलब मैं पेशावर में जजेस के रुझान के वाले से जानना चाहती कि फीमेल्स यानी लिटिगेशन में तो आपने जैसे बताया रही है, बट जुडिशरी की तरफ भी इतना ही रुझान आपको नज़र आता है फीमेल्स का? जी, जुडिशरी में तो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है वहाँ पे फीमेल, क्योंकि जितनी भी आती हैं तो वो जस्ट वो अप्रेंटिसशिप पीरियड के लिए और लाइसेंस लेने के लिए, मेनली उनका फोकस यही होता है कि आपने जुडिशरी में जाना है। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो जब भी हम बैठे होते हैं बार रूम में, तो मेरे फादर को सब कहते हैं मियाँ साहब इसको जज बना दें, ये जज बनेगी, और डीप डाउन इनसाइड मुझे बनना ही नहीं है जज, मुझे नहीं सिविल जज बनने का शौक, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस का ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं इंजॉय करती हूँ, क्योंकि माई फादर इज़ माई रोल मॉडल, मैं उनको देखती हूँ वो किस तरीके से आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, केसेज आ रहे हैं हमारे चैम्बर में, तो वो चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे जुडिशरी की कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आती, मैं लॉ फील्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ, क्योंकि मेरे भाई भी कर रहे होते हैं, तो जब मैं देखती हूँ कि वो आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, वो डिफरेंट केसेस डील कर रहे होते हैं, तो मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। नहीं, दैट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर, मैं इस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी। ऑफ कोर्स, बट उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आई फील के लाइक ज़्यादा औरतें, ज़्यादा खवातीन जुडिशरी या सीनियर
लीडरशिप पोजीशंस पे आएंगी, तो आई थिंक उससे भी हमारी ओवरऑल एक ज्यूरिसप्रूडेंस में भी इनपुट दे सकेंगी, पॉलिसी आपकी उस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक अपने नज़रिए के साथ, एक अपने पर्सपेक्टिव के साथ केसेस को भी अप्रोच करेंगी, तो आई मीन इट वुड बी इनकरेजिंग टू सी रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, बार काउंसिल्स वगैरह, तो उसके हवाले से क्या है वहाँ पे? बार काउंसिल अभी जो है ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड ही है या फीमेल? मेल डोमिनेटेड है, लेकिन ये होता है कि वो भी प्रेफर करते हैं कि वुमेन लॉयर्स आगे आएँ। ये नहीं होता कि अगर कोई कहती है कि मैं इलेक्शन करना चाहती हूँ, मैं बार काउंसिल की मेंबर बनना चाहती हूँ, तो वो ये कभी नहीं करेंगे कि उसको सप्रेस करें। अच्छा, वो इनकरेज करते हैं। अभी हमारे बार एसोसिएशन में अगर कोई फीमेल लॉयर इलेक्शंस के लिए खड़ी होती हैं, तो मेल लॉयर्स जो होते हैं अगर उस सीट के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उस सीट के ऊपर आएँ, तो मोस्टली वो बाकी लॉयर्स आते हैं और वो झिरगा टाइप जैसे होता है, उनके पास बाकायदगी से जाया जाता है, उनको बोलते हैं कि आप बैक ऑफ कर जाओ। अच्छा, I am quite actually amazed। अभी हमारे पास मेरे भाई जो थे वो एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए पेशावर हाई कोर्ट में खड़े हुए, तो वहाँ पे दो फीमेल्स आ गए, हमारे पास दो मेंबर एग्जीक्यूटिव होती हैं, तो जब उसको पता चला कि दूसरी फीमेल भी इस पोस्ट के लिए इलेक्शन करना चाह रही हैं और कंपेन कर रही हैं, जब वो हमारे पास आई तो मेरे भाई ने कहा ठीक है ये दोनों कर रही है तो मैं बैक ऑफ कर जाता हूँ। कितनी अच्छी बात है ये। आई एम सो दूसरी हमारे जो थी तो फाइनेंस सेक्रेटरी थी, वो जब इलेक्शन के लिए खड़ी हुई तो जब सबको पता था कि अम्बीन गुलजार लड़ रही हैं इलेक्शन, तो कोई उस सीट के लिए उन्होंने कोई खड़ा नहीं हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, तो वो थोड़ा सा पंजाब के अंदर भी इस ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो इलेक्शन का बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है और इलेक्शन होने भी वाले हैं, इसलिए जो सब नाज़रीन देख रहे हैं वो ये पॉइंट नोट भी कर लें कि किस तरीके से जगह देनी चाहिए फीमेल्स को, बिकॉज ऑब्वियसली नंबर्स में डिस्पैरिटी इतनी है कि वो इन सपोर्टिव मेजर्स के बगैर उनको पूरी नहीं हो सकती। मुश्किल हमारे ये है कि वहाँ पे वुमेन लॉयर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, अगर वो कुछ करना चाहती हैं कोई किसी भी लेवल पे, तो उन्हें काफ़ी इनकरेज किया जाता है। अभी हमारे नीचे अगर आप देख लो तो डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस होते हैं, तो खुद ही बोलते हैं, हर किसी को बोल रहे होते हैं कि वुमेन लॉयर्स आगे आएं, एटलीस्ट एक या दो रिप्रेजेंटेशन वुमेन लॉयर्स में से होनी चाहिए, आवाज तो शामिल हो ना उसमें, ताकि उनकी किसी न किसी की आवाज़ हो, वो बोले उनके राइट्स पे, तो वो खुद ही इनकरेज करते हैं कि एटलीस्ट एक बंदी तो हो, एक वुमेन लॉयर तो हो जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन दे हमारे जो बार एसोसिएशन। रियली रियली हैप्पी, मेरी तरफ से ज़रूर, आई मीन आप प्लीज़ मैसेज लेके जाइएगा दैट वी इट्स वेरी इनकरेजिंग। मेरा ख्याल है मैं भी वहीं प्रैक्टिस शुरू करती हूँ, बिकॉज इट साउंड्स रियली नाइस एंड कमिंग फ्रॉम पेशावर, बिकॉज वी हैव नो आइडिया अबाउट इट सिटिंग इन लाहौर, तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमें ये पिक्चर भी देखने को मिली और आपने हमारे साथ शेयर की अबाउट द सिटी दैट, मतलब ऑफन उसके बारे में ऑब्वियसली हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज उस तरह से नहीं है, पर्टिकुलरली वेमेन के कॉन्टेक्स्ट में, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट एक नेगेटिव इमेज के पी के लिहाज से मोस्टली हर जगह पे आ रही होती है, लेकिन अगर आप विजिट करें और वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करो तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, यहाँ वुमेन रिस्पेक्ट बहुत है, हर जगह उनको स्पेस दी जाती है, तो वो आगे आती हैं। ये नहीं होता कि उनको किसी ने उनके लिए ऑब्स्टिकल्स बनाएंगे, कब बहुत रेयर केसेस में होगा, लेकिन मोस्टली चैलेंजेस तो हैं, तो बिल्कुल वो तो हर जगह वो तो हैं, लेकिन ये है कि हमारे जो सीनियर लॉयर्स होते हैं वो डेफिनेटली इनकरेज करते हैं, जजेस भी। अच्छा महविश, आपने अभी तक जो पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत काम किया है, आपका चेंबर भी बहुत एक्टिवली सपोर्ट करता है औरतों को, फीमेल लिटिगेंट्स को, तो कोई ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ केसेस जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा भी दिसंबर में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमारी गैस की लोड शेडिंग हो रही थी, हम लोगों ने उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की हाई कोर्ट में, और उसका अल्टीमेट जो हम लोगों ने रेमेडी देखी उसके शाम को ही गैस आ गई थी। फिर हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपका सोल सिस्टर पाकिस्तान है, इस तरह हमारे पास भी जो ग्रुप्स हैं उसके ऊपर मैंने एक सर्वे करने के लिए चेक किया कि जस्ट हमारे एरिया में गैस आई है या और जगहों में भी है। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि सब बता रहे थे कि हाँ आर सी गैस है। तो जितना तो एक इमीडिएट रेमेडी उनको मिल गई थी, हाँ स्पीड जस्टिस मिल जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने जैसे कि मेडिकल वेस्ट पे हम लोगों ने किया, जैसे लिम्स वगैरह पड़े होते थे हॉस्पिटल के बाहर, तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कि इंसिनेटर्स होने चाहिए।
और वो तभी होते हैं, हम लोग उसके ऊपर पहले हमारे जो रिसर्च टीम होती है हमारे लॉ फर्म में वो बैठती है, उस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर रिसर्च होता है, वो सारा करने के बाद फिर हम लोग एक इन, और मोस्टली लोग क्या कर रहे होते हैं कि अब तो हर कोई हम लोगों को जो हमारा मेल बॉक्स है वो फुल हो गया होता है, इस चीज़ के ऊपर करें इस चीज़ के ऊपर करें, तो हम कह रहे हैं हर चीज़ के ऊपर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो चीज़ पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रही है जी उसके ऊपर हम ज़रूर काम करते हैं। कुछ दिनों में ये माइस का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसमें ये था कि इतने ज़्यादा चूहे हो गए थे कि वो बच्चों को काट रहे थे, उसके ऊपर फिर हम लोगों ने लिटिगेशन की, वो भी ख़त्म हो गए, लेकिन उसका ये फिर इशू स्टार्ट हो गया कि वो लोग पंजाब से इंपोर्ट करने लगे माइस, क्योंकि हर माइस की स्पेसिफिक अमाउंट उन्होंने रख दी थी कि अगर कोई इतने चूहे दे देगा तो हम उसको इतने पैसे देंगे, तो फिर कह रहे थे कि पंजाब से आ रहे हैं चूहे आ रहे हैं, तो वो बड़ा अजीब सा वो था कि हमने कहा अच्छा अखबार में और टीवी पे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि पंजाब से इतनी चूहे आ गए इन्होंने इतने पकड़ लिए, तो वो हम हंस भी रहे थे और हम कहते चलो हम तो एक तरह से रिलीफ दे रहे हैं लोगों को और वहाँ पे जो है तो उन्होंने बिजनेस बना लिया तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने किए, हम लोगों ने चाइल्ड एड्रेस पर बहुत काम किया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और ये सारों को हम लोगों ने जाके फिर विजिट भी किया मेरे भाई ने, क्योंकि हम लोगों ने जो लिटिगेशन की थी मोस्टली हमारे वेलफेयर हाउसेस तो बन रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जो बच्चे डायरेक्टली उसके साथ इफेक्ट हो रहे हैं, जो बैगर्स हैं, जो स्ट्रीट में स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनके लिए कुछ नहीं था, उस पर हम लोगों ने किया। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब जमुन कोर के नाम से वहाँ पे एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन बन गया, वेलफेयर हाउस है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, वो स्पेशली चाइल्ड एट रिस्क के लिए ही है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कोर्ट्स भी बन गए थे, बन गए थे, वो एक बहुत लैंडमार्क डेवलपमेंट है, तो वो ये था कि वो एक इनिशिएटिव था उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया, क्योंकि जब भी हम जा रहे होते थे तो वह बच्चे पड़े होते थे और अब बेगर्स हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब एनजीओस फंड ले रही हैं, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, लेकिन उनको तो कोई फ़ायदा नहीं, उन तक नहीं पहुँच रहा, उन तक नहीं पहुँच रहा, तो अब काफ़ी हद तक वो चीज़ कम हो गई है। तो एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन होती है कि एक चीज़ पे हमने काम किया है और उसका हमें इमीडिएट रिजल्ट मिल गया। बिल्कुल, एंड मै विश आई ऑल्सो नो कि आप लॉयर होने के साथ साथ नूर फाउंडेशन है या जो भी नूर एजुकेशन ट्रस्ट, नूर एजुकेशन ट्रस्ट की भी आप हेड है, तो उसके उसके काम किए और एम्बिट के हवाले से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है फॉर द सोसाइटी। के पी अगले लेवल पे अगर हम देखें तो देखिए पंजाब में तो बहुत ज़्यादा शेल्टर होम्स हैं, लेकिन के पी पे अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसा शेल्टर होम है जो कि मैं समझती हूँ हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम एक सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उधर हमारे पास रेफरल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है कि हम हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर देते हैं केसेस और हमारे काम आसानी से हो रहे हैं। हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, एक तो लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं हम, साइको सोशल काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे, और एक शेल्टर होम है हमारा। और ये वुमेन के लिए है बेसिकली, ये वुमेन एंड चिल्ड्रन पे काम करता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन पे काम करता है, ठीक है। हम अभी केपी में 13 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, हमारे पास 68 से ज़्यादा लॉयर्स हैं हमारे पैनल पे, और हमारे पास अगर दूसरे प्रोविंसेस के केसेस भी आते हैं तो हमारा रेफरल सिस्टम डेवलप हुआ हुआ है, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारा रेफरल सिस्टम है, हम वहाँ पे केस रेफ़र कर देते हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं तो वो भी हमारे हर एक प्रोविंस लेवल पे मौजूद हैं। अगर हमें कुछ शेल्टर की फैसिलिटी चाहिए तो भी हमारे पास काफ़ी शेल्टर्स ऐसे हैं हर एक प्रोविंस में, जिनके साथ हमारा सिनर्जी हो के तो ऑब्वियसली वो चीज़, तो दैट्स वेरी गुड। आई फील लाइक दैट इज़ समथिंग जिसमें it's something very similar to what women in law is also about, and of course I know that you are doing a really good job at helping take the initiative forward as well, so I उसमें भी हमारा ये था कि पहले बहुत ज़्यादा male lawyers हुआ करते थे हमारे पास, तो हमारी ट्रस्टी के साथ मीटिंग हुई जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अब हम लोगों की कोशिश ये होगी कि हम वुमेन लॉयर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशन हम बढ़ा दें। और हमारे पास इंटर्नीज भी होते हैं यहाँ पे, तो 3-4 इंटर्नीज हुआ करते थे हमारे पास, उनको सैलरी भी मिलती है। तो अगर हम इंटर्नीज रख रहे हैं अपने पास तो मेल इंटर्न्स हम ना रखें, हम वुमेन इंटर्न्स रखें, या एटलीस्ट रेशो ऐसा हो कि वो भी हो और वो भी हो, ताकि आपकी एटलीस्ट कहीं पे तो लेकिन किसी लेवल अगर आप देखो तो मेल के लिए इतना बड़ा इशू नहीं होता, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना आसान होता है क्योंकि वो एज एन एसोसिएट भी काम कर रहे होते हैं डिफरेंट लॉ फर्म्स में। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि अलाउ नहीं करती, जैसे इवनिंग टाइमिंग्स होते हैं ऑफिस के, तो वो नहीं जा सकती ऑफिस। ये चीज़ें मैंने बहुत ऑब्जर्व की हैं। अगर मैं एक मेरा लॉयर्स बैकग्राउंड ना होता, मेरी फैमिली लॉ में ना होती, तो मैं 11:00 11:30 हो जाते हैं मुझे ऑफिस में,
हम लोग काम कर रहे होते तो हम लेट आवर्स तक काम करते हैं, तो क्या मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करते कि मैं 12 o'clock और 11:30 वापस घर आ रही हूँ? हाँ, वहाँ पे ये है कि मेरे भाई ऑफिस में होते हैं, मेरे वालिद होते हैं ऑफिस में, तो चलो मैं 11:30, 12 उससे भी अगर ऑनवर्ड्स हो जाए तो हम ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी अगर हम वहाँ पे दे रहे हैं नूर एजुकेशन ट्रस्ट में, तो वुमेन इंटर्न्स जो हमारे पास आती हैं, जो लीगल वुमेन इंटर्न्स हैं, उनको एक एक कम अज़ कम फैसिलिटी हम ये दे रहे हैं कि वो क्लाइंट्स के साथ डील कर रही हैं, उनसे फैक्ट्स ले रही हैं, फिर उनको हम केसेस भी रेफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर वो कहीं पे उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक केस हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया एक वुमेन लॉयर को, अगर उनको कहीं इशू आ रहा है तो हमारे पास जो सीनियर लॉयर्स पैनल पे होते हैं वो उनको हेल्प आउट कर देते हैं। सही, तो कहीं लर्निंग उनकी चल रही है, उनकी लर्निंग चल रही है, लेकिन केस टेक अप वुमेन लॉयर ही कर रही है। अच्छा, ये अभी हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आई थिंक दैट्स वंडरफुल एंड आई एम श्योर वाइजा हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। या आई वुड रियली वांट टू आस्क यू कि वुमेन इन लॉ का जो इनिशिएटिव है आप केपीके में उसको लेके चल रही हैं, सो where do you think this initiative stands in giving a push to female lawyers and encouraging them yahan Punjab mein bhi, overall Pakistan mein, KPK mein, aap kya dekhti hain ki kya contribution hai women in law ka, aur aap kya sochti hain, kaise aap plan kar rahi hain aage isko leke chalne ka KPK mein? Sabse pehle to thanks to Nida, inse hi mujhe pata chala women in law initiative ka. जब मुझे पता चला तो मैं कह रही थी कि केपी में भी इस तरह होना चाहिए, और उससे पहले हम लोगों ने जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान जूरिस्ट एसोसिएशन के नाम से, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, मेरे फादर उसके वो थे फाउंडिंग मेंबर हैं, तो उसमें ये था कि मैं उनके फीमेल विंग की प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि वुमेन लॉयर्स का नेटवर्क तो हमारे पास केपी लेवल पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, लेकिन जब मुझे वुमेन इन लॉ नेटवर्क का पता चला तो मैंने कहा नहीं, इस चीज़ को हमें आगे लेके जाना चाहिए, ठीक है, दोनों को मिलकर हम लेके चल सकते हैं। वहाँ हम काफ़ी काम कर रहे हैं, लाइक पाकिस्तान जूरिस्ट एसोसिएशन में बहुत काम हो रहा है, स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम हेल्प आउट करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे फीमेल लॉयर्स होते हैं उनको ड्राफ्टिंग इश्यूज होते हैं तो वो हमारे ऑफिस आते हैं, ट्रेनिंग में उनके सपोर्ट ट्रेनिंग और सब कुछ वो हो रहा था ऑलरेडी, लेकिन फिर एक वुमेन इन लॉ नेटवर्क मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा फ़ायदा इस तरीके से होगा कि उनको एक मौका मिल जाएगा यहाँ के लॉयर से सीखने का, था इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, एक तरह से इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग, बिकॉज हमारे लिए भी ये है ना कि लाइक ज़ाहिर है इट्स नॉट वन वे कि जी यहाँ से सिर्फ वहाँ पे है, जा रहे ज़ाहिर है हम लोगों को भी, जब जैसे हमें अब पेशावर को ऑब्वियसली जैसे नहीं कोई इतना इंसाइट, लेकिन आपकी मदद से हम भी उन लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास उसी तरह से कोई केसेस आते हैं एंड वी नीड टू रेफर, तो ऑब्वियसली अब हमारे पास पॉइंट पर्सन है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आपके ज्वाइन करने से हमें क्या वो मिला, एक बहुत इंकरेजिंग बात ये थी कि KPK चैप्टर होने की वजह से, इस्लामाबाद चैप्टर होने की वजह से और भी शहरों के लोगों ने फिर हमें कॉन्टैक्ट किया, तो हम मतलब वी आर वेरी इंकरेज्ड के पीपल लाइक यू आर टेकिंग दिस फॉरवर्ड with the kind of dedication that this requires, and for that you know we want to officially say thank you to you, thank you so much, and you're most welcome. Acha, abhi recently hamare paas ek aur program chal raha hai UNDP level pe jo sirf Fata mein kaam kar raha hai, to kyunki main net ki legal head hu, hamari meeting honi thi unke sath, to wahan pe bhi maine unse yahi baat ki ki hum wahan pe bhi women lawyers ko ज़्यादा एम्पावर करें, लीगली वो एम्पावर्ड हो, तो वहाँ पे भी मैंने उनके साथ वुमेन इन लॉ को भी इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी भी सारी बातें की कि अगर आपको वुमेन इन लॉ की भी कोई हेल्प चाहिए किसी तरीके से, हम अगर उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं, हाँ, तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो काम हम देख रहे हैं, लेकिन क्या कोई लॉ रिफॉर्म भी करने की ज़रूरत है, या यू फील के लीगली एंड बिकॉज इतना सपोर्टिव माहौल ऑलरेडी है तो यू फील के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही मतलब स्टेप्स जो है वो काफ़ी हैं फिलहाल इन द शॉर्ट रन? जी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही पे ज़्यादा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल पे होनी है। हाँ, ये बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी अगर हम देखिए, मोस्टली हमारे पास तो एक्ट्स और लॉज मौजूद होते हैं, हम नए नए एक्ट्स भी बना रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन एक की भी नहीं हो रही होती, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर एग्जिस्टिंग चीज़ों की भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वुमेन लॉयर को इनक्रेज किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो लीगली एम्पावर हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, एंड ऑन दैट नोट वी वॉन्ट टू वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम, आप आई, आपने इतने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और देती भी रहती हैं पेशावर में और KPK में, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको KPK के और भी शहरों तक लेके जा सकें। अगर कोई फाइनल मैसेज है तो काइंडली आप हमारे साथ शेयर कर लीजिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बेटियों को ज़्यादा इनक्रेज करना चाहिए कि वो इस फील्ड के अंदर आएँ,
क्योंकि जो हमारे एक थिंकिंग है कि नहीं ये मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है और हमारी बेटियाँ जाएगी मोस्टली. मैंने एक और चीज़ नोट किया जो मैं कहना चाहती हूँ, हमारे जो केपी लेवल पे सबसे बड़ा जो इशू है जिसकी वजह से लोग अपनी बेटियों को नहीं ला रहे, वो ये कहते हैं कि अगर हम इस प्रोफेशन में बेटियों को लेकर जाएंगे इनकी शादियाँ नहीं होंगी. ये चीज़ मैंने बहुत नोट की. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी बहुत सारी लॉयर्स हैं जिनकी बहुत अच्छी जगहों में शादियाँ हो गई. तो आप अपनी बेटियों को इनकरेज करें कि वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच महविश कि आपने टाइम निकाला, आप आई. इट वॉज़ एन ऑनर टू हैव यू. इसी के साथ नाज़रीन हमारा ये एपिसोड इख्तिताम को पहुँचा. एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर होंगे. तब तक के लिए मुझे और निदा उस्मान को दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.